बड़ा एक अच्छा अचीवमेंट है मिर्ज़ापुर के, जो मिर्ज़ापुर की बिटिया हैं सानिया मिर्ज़ा जी, बता दूं कि उन्होंने एनडीए में पास किया है। ये दूसरी लड़की हैं जो ये नाम रोशन की है, मिर्ज़ापुर में पहली लड़की है। और ये इतिहास है और मैं उनसे मिलने आया हूँ बहुत ही कम समय में, कि उन्होंने तैयारी डिस्टर्ब किया उनको, फिर मैं उनसे मुलाकात करूँगा जी। बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सर। अच्छा ये सानिया जी, आपका ये जो एनडीए का थीम था ये शुरू से ही था या बाद में जाके आपको लगा? सर एनडीए पहले लड़कियों के लिए था ही नहीं जी, और लड़कियों के लिए जब था ही नहीं तो पहले से कभी एम हुआ नहीं, मतलब जब आपको पता चला एनडीए का तब से ही था या ये तब से ही था? जब पहली नोटिफिकेशन आई थी सेप्टेम्बर 2021 में, तब से डिसाइड किया था कि इस एग्जाम को क्रैक करना है जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। जी पहली बार में आप नहीं पता चला नहीं कर पाए थे तो उससे क्या प्रभाव पड़ा था, फिर दूसरी बार के लिए तैयारी किया आपने? पहली बार एक महीने के शॉर्ट नोटिस पे लड़कियों को इनरोल किया गया था, तो उस टाइम मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी और जिसकी वजह से मैं थोड़े मार्क्स से पीछे रह गई, मैं रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाई। सेकेंड टाइम मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, उसके ऊपर काम किया, अपने फेलियर पे जो कॉजेस थे इंट्रोस्पेक्शन किया, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो कमी थी वो कहाँ रह गई थी। और आई एम थैंकफुल टू शिशिर दीक्षित सर एंड द सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी टीम, जहाँ से मैंने अपने SSB की 21 डेज की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है जिसके जरिए मैं SSB इंटरव्यू भी क्रैक कर पाई। सारी शिक्षा आपने मिर्ज़ापुर में लिए थी जी, और ये जो तैयारी की थी ये कहाँ से किया था? ये मैंने लखनऊ आलमबाग सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी से SSB इंटरव्यू की तैयारी की थी। तो अभी आपको कैसा लगा, मतलब बिटिया मिले सवा से मिला तो आपको क्या फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है और फेलिसिटेशन या फिर रिस्पेक्ट से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा है जब गर्ल्स आके मुझे रिपोर्ट कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। पूरे मिर्ज़ापुर में लड़कियों में एक उमंग है, उत्साह है कि हमें भी कुछ करना है, और ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है और तब लगता है कि ये एक सक्सेस, ये जो सक्सेस है ये एक मीनिंगफुल सक्सेस है। तो आप अभी जो लड़कियाँ हैं वो आती हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो सेल्फ इंडिपेंडेंट का जो सपना देखती हैं आपकी केवल इट्स नॉट योर ओनली योर चॉइस, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि सोसाइटी में आपको समझना चाहिए कि गर्ल कम्युनिटी को आपको बहुत ऊंचा लेके जाना है। सिर्फ गर्ल कम्युनिटी बॉय कम्युनिटी की बात नहीं है, एक लड़की का एक औरत का आज के जनरेशन में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है।